दिल्ली को देश का फूड हब बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है करोल बाग का, और करोल बाग में 1951 से मिलती आ रही है बेहतरीन कुल्फी, रोशन दी कुल्फी। लेकिन अब कुछ छोटी दुकान बन चुकी है बड़ी, और यहाँ अब सिर्फ कुल्फी नहीं, छोले भटूरे, चाट, टिक्की, भल्ले पापड़ी सब कुछ मिलने लग गया है। एंड ऑल ऑफ दिस इज ऑथेंटिक डेली टेस्ट। अब करोल बाग से ज्यादा ओरिजिनल दिल्ली आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो यहाँ की कुल्फी के साथ साथ यहाँ के छोले भटूरे भी चलूंगा कम विद में। तो एक बार मैं ओनर से ही जान लेता हूँ कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कैसा लगा उनको एक ऐसी लेगेसी वाला रेस्टोरेंट चला के 70 साल से चला रहे हैं। पहले तो जी आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपको क्या लगता है क्या है वो सीक्रेट जिसकी वजह से आज भी तो हमारी कुल्फी सबसे पहले हमारे दादाजी ने चालू की थी। अच्छा, 1951 से। ओके, फिर कुल्फी से कैसे आप आगे बढ़े, क्या कैसे आगे बाकी चीजें खोली? पहले कुल्फी थी, उसके बाद छोले भटूरे, फिर पापड़ी चाट वगैरह, तब धीरे धीरे मेन कोर्स हो गया, चाइनीज चालू हो गया, अब सब चालू कर दिया। हाँ जी। तो कितने टाइम तक आप सिर्फ कुल्फी बेची? दोनों चीजें बिकी है, बट पहले कुल्फी से स्टार्टअप हुआ था। 1951 से 80s तक आपने शायद कुल्फी बेची। हाँ जी। और उसके बाद आपने छोले भटूरे वगैरह भी आप इंट्रोड्यूस कर गए। हाँ जी। तो अभी सबसे ज्यादा क्या खाने कुल्फी के अलावा? छोले भटूरे हो गए, आपकी चाट हो गई, भल्ला पापड़ी, रात कचौड़ी, टिक्की चना। खाने को अगर सच में रोशन करना चाहते हो तो आइए करोल बाग, रोशन दी कुल्फी। तो भैया दूध से बनी हुई फालूदा कुल्फी दिल्ली की जान। भीड़ देख रहे हो, एक वर्किंग बिजनेस डे है, दोपहर का टाइम और यहाँ अभी भी लाइन लगी है। वीकेंड्स पे क्या हाल होता है आप सोच ही सकते हो, एंड द रीजन इज प्योरली द टेस्ट। भैया ऐसी थोड़ी 70 साल से इनकी दुकान चल रही है। It's very simple and basic faluda kulfi. लेकिन if you do the basic and you do it right, this is what you produce. Faluda का taste कोई extra special नहीं है. Basic दूध की kulfi, which is बहुत tangy and sweet. ऊपर से faluda जो sweetener इन्होंने ऊपर से डाला था, it was delight. And अच्छा option है कि इन्होंने sugar free का भी option दिया if you are diet conscious or if you have problems. And especially हमारे यहाँ दिल्ली वाले को ना, जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिनको sugar की थोड़ी problem है, kulfi के चटकारे लेने में उनको बहुत मजा आता है। So this is a must try for them too. ये आलू डालते हैं पहले। ये अपने आलू आ गए। ये आलू डालते हैं। ठीक है जी, एक ही आलू डालते हो? हाँ जी। और आलू में ये क्या मेथी से वो लगाते हो? हाँ, मेथी का तड़का, प्याज, आलू हो गया, पनीर हो गया। ओके। के साथ अचार हो गया। ये अचार किसका है? आंवले का। आंवले का अचार है। और हमारे भटूरे खाते आ रहे? भटूरे तो सर अंदर हो रहा, आएगा तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो भटूरे आने में टाइम लगेगा। और क्या खासियत क्या है हमारे छोले की? फेमस है, काफी अच्छा चीज है। क्या ऐसा राज क्या है? ये तो मसाले का राज है। अरे मसाला यहाँ का अपना राज है। अपना तो छोले भटूरे जिनकी शेप थोड़ी अलग है दिल्ली के छोले भटूरों से। क्यों अलग? यूजुअली वो थोड़े ज्यादा सर्कल में होते हैं, दिस इज इन अ डिफरेंट शेप, अ लिटिल ओवलिश। पर शेप से क्या होता है, स्वाद कैसा है। और दिल्ली वालों को वैसे छोले भटूरे पसंद ही कुछ ज्यादा। मजा आ गया, इतने खड़े मसाले। कभी भी जो भी थोड़े आइकॉनिक रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये अपने मसालों की जो रेसिपी है वो कभी रिवील करते नहीं है। आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, दे नेवर टेल यू, बट मसाले बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक हरी मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है, हरी मिर्च, लाल मिर्च एंड नमक का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है विद गरम मसाला भी है, मुझे लगता है इन्होंने अलग उसमें मात्रा को अलग अलग डिपेंड करके इसलिए इतना खड़े मसाले हैं। एंड आई थिंक इनके भटूरों के अंदर भी थोड़ी थिकनेस ज्यादा है। एंड अब ये थोड़े और कमर्शियलाइज एंड रेस्टोरेंट स्टाइल बन गए हैं, लेकिन वो ओरिजिनलिटी अभी भी बरकरार है। द भटूरे आर वेरी थिक, लुक एट दैट, दे आर एक्सट्रीमली थिक। सो दैट्स व्हाई आई लव द एक्सपीरियंस हियर एट रोश कुल्फी, एंड कुल्फी के साथ छोले भटूरे मेरा दिल में।